सिंगापुर में एडवेंचर के लिए बेस्ट प्लेस है सेंटोसा आइलैंड, तो आज मैं यही घूमने के लिए जा रहा हूँ। एंड कैसे सेंटोसा आइलैंड विजिट कर सकते हैं, टिकट प्राइसेस क्या होने वाली, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी डिटेल में ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। पास ही में एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है जहाँ पर इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं अभी वही खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग Sentosa Island. India is also working very good. The economy there is it? Yeah. Because the country is a lot of people. Have you been there? I haven't been there. Yeah, you should. Sometime I take a photo and show your friend. Yeah. So right now I'm having this one. Thank you. Bye. खाना काफी टेस्टी था। आई पेड ओनली $18 फॉर वेज थाली एंड वन मैंगो लस्सी। तो अब बात आती है कि सेंटोसा आइलैंड तक कैसे पहुंचे, तो आप बस या MRT से जा सकते हो। अगर सोलो हो तो MRT बेस्ट है, एंड अगर आप ग्रुप पे हो तो ग्रैब कर सकते हो। एंड सेंटोसा आइलैंड पर ही यूनिवर्सल स्टूडियो है एंड सेंटोसा वर्ल्ड रिसोर्ट, एडवेंचर केव, वाटर पार्क एंड कैसीनो भी सेंटोसा आइलैंड पर ही है, लेकिन ये सब एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हेलो, I want to renew this card for 3 days. 3 days, today, tomorrow, and the day after tomorrow. Okay. $20. मैं चाइना टाउन से हार्बर फ्रंट स्टेशन जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मुझे वीवो सिटी स्टेशन जाना है जहाँ से मुझे सेंटोसा एक्सप्रेस मिलेगी, जो कि सेंटोसा बीचेस एंड यूनिवर्सल स्टूडियो ले जाती है। एंड वीवो सिटी मॉल के अंदर ही सेंटोसा एक्सप्रेस का स्टेशन है। अभी मेरे पास टूरिस्ट पास है, तो सिंपली मैं इसे यूज कर सकता हूँ सेंटोसा एक्सप्रेस में एंट्री लेने के लिए। एंड ये है टिकट काउंटर जहाँ से आप सेंटोसा एक्सप्रेस की टिकट ले सकते हो। तो गाइस अभी चलते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, करते हैं कुछ फन। यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीद सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू बुक योर टिकट्स ऑनलाइन ताकि आपका काफी टाइम बच जाए। एंड स्टूडियो की टिकट $81 की आती है फॉरेनर्स के लिए, बट सिंगापुर रेसिडेंट के लिए ओनली $68। एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस पास भी लिया था जो कि मुझे $40 का पड़ा है। अगर आपके पास एक्सप्रेस पास है तो आपको राइड्स की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। एंड ये मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सल स्टूडियो में एंट्री के लिए। सो गाइस, यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको 7 थीम जोन देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क जोन देखने को मिलेगा, उसके बाद साइफाई जोन, एशियन इजिप्ट जोन, लॉस्ट वर्ल्ड जोन जो कि डायनासोर बेस्ड थीम पर बना हुआ है, आफ्टर दैट फार फार जोन, एंड के बाद मरा के इसकर जोन देखने को मिल जाता है, एंड द लास्ट वन इज हॉलीवुड जोन। ये सभी जोन आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी राइड करने को मिल जाएंगे, काफी मजा आता है गाइस ट्रांसफॉर्मर एंड रोलर कोस्टर राइड में, तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ट्रैक 4D एडवेंचर को तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड अगर आप यहाँ पर वीकेंड्स पे आ रहे हो तो काफी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सप्रेस पास ले लो ताकि आपको लाइंस में
लगना ना पड़े, क्योंकि राइड्स इतनी सारी रहती है कि टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एंड राइड्स पर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो यार काफी मजा आया यूनिवर्सल स्टूडियो में, कम्प्लीटली इनक्रेडिबल फन था। अगर सिंगापुर आए और यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं आए तो मजा नहीं आएगा। अब चलते हैं सेंटोसा बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। कुछ फेमस बीच है पालवन बीच, तेंजोंग बीच एंड सिलोसो बीच। एंड ये है गो ग्रीन सेगवे एडवेंचर, जहां पर आप साइकिल एंड होवरबोर्ड रेंट पर ले सकते हो। $12 में एक घंटे के लिए साइकिल मिल जाएगी। एंड ये मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 तक खुला रहता है। और अगर आपको अपने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो स्काई पार्क में आना बनता है, जहां पर बंजी जंपिंग कर सकते हो एंड जायंट स्विमिंग भी, जो कि काफी खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस देती है। तो यार आज का दिन काफी मजे से भरा था, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और यार पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वी विल मीट सून, बाय बाय।